ये एचपी का लैपटॉप है, पेवेलियन G6 मॉडल है। इसकी बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आई हुई है। 1 TB इसमें हार्ड डिस्क है और ओरिजिनल विंडो है इसमें, विंडो 8। और इसमें आपको 4 GB रैम मिलेगी। उसके बाद इसमें ग्राफिक्स कार्ड रेडियन का डला हुआ है, i5 कोर ड्यूओ प्रोसेसर है इसमें, और डॉल्बी एडवांस्ड डिजिटल ऑडियो के लिए दिया हुआ है इसमें। इसके हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें कि प्रोसेसर इंटेल कोर i5 दिया हुआ है, जिसमें 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका रेटिंग 5.2 दी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी रेटिंग 5.2 दी हुई है। प्रोसेसर i5 है और इंस्टॉल्ड मेमोरी 4 GB है, जिसमें यूजेबल हालांकि 3.89 GB है। सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। इसमें डॉल्बी डिजिटल ऑडियो सिस्टम प्रोवाइडेड है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। वेबकैम आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे की क्वालिटी आप देख रहे हैं, कितना क्लियर कैमरा है इसका, क्लियर व्यू है। इंटरनेट स्काइप अगर कोई यूज़ करता है, बहुत ही अच्छे इसके। अच्छा, आपको कैसा ये सेटिफाइस इसकी जो है परफॉर्मेंस कैसे लगी? परफॉर्मेंस बेटर है, एचपी के कस्टमर केयर पर 24 आवर सर्विस है और कोई भी कंप्लेंट हो जल्दी रिमूव हो जाती है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जैसे? प्रॉब्लम एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेनली इसकी प्रॉब्लम थोड़ी हार्ड डिस्क में इश्यूज हैं, वो थोड़ी एंटीवायरस के कारण लगा लीजिए आप, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं इसके। में कनेक्टिविटी के बारे में बता दोगे थोड़ा, कि कितने पोर्ट्स वगैरह हैं, कितने ड्यूटी प्लेयर? इसमें हम कनेक्टिविटी पोर्ट के लिए देखेंगे, ये चार्जर का पोर्ट है, ये तो सभी में होता है। हम इस साइड देखेंगे लैपटॉप को, इसमें ये जो है विजी है, इसमें ये HDMI पोर्ट ये है, HDMI पोर्ट है इथरनेट के, ओके ठीक है। ये तो USB के लिए है, ये माइक के लिए है, ये हेडफोन के लिए, ये मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये इसके पोर्ट है। बहुत ही क्लियर ग्राफिक्स हैं, HD ग्राफिक्स हैं इसमें, और साउंड क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। कॉमेडी नाइट्स देख रहे सारे दर्शकों को कॉमेडी नाइट्स की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको इसकी आवाज अच्छी लगी? हाँ जी, आवाज अच्छी है। अगर ईयरफोन लगाते हैं तो भी इसमें कोई साउंड इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसी माइक में आवाज आ रही है वैसे ही ईयरफोन में आती है। और आपकी जो कीबोर्ड्स हैं वो इजी टू यूज़ हैं, यानी ज़्यादा? कीबोर्ड सॉफ्ट टच है, और माउस में, लैपटॉप में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है माउस में, लेफ्ट और राइट कीज में। इसमें सेपरेट लेफ्ट और राइट कीज हैं और सॉफ्ट हैं, इजी टू वर्क हैं, कोई हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ता, जस्ट टच के लिए टच करो और जो चीज़ आप चाहते हो खुल जाती है। तो इसमें जो है, जैसे अगर एक बैटरी रिचार्ज करने पर कितने घंटे चल जाता है बिना बैटरी? इसका बैकअप मेनली 4 to 5 hours है। आप एक बार अगर फुली चार्ज है तो एक पूरी मूवी बिना किसी उसके देख सकते हो, चार्ज करने की जरूरत नहीं है आपको, चार्जर कनेक्ट नहीं करना पड़ता, और पूरी मूवी जो 2 या 2.5 घंटे की होती है वो आप देख सकते हो उसको विदाउट चार्जिंग। तो स्क्रीन तो नॉर्मल होगी? हाँ, स्क्रीन नॉर्मल है सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू।